है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। एक तो सोच समझ करके किसी वस्तु का त्याग किया जाता है और एक त्याग करना पड़ता है। सोच समझ करके करते हैं, उसमें कथनचित स्थायित्व रहता है और परवश होकर के करते उसमें भी स्थायित्व रहता है, किंतु वह करना पड़ा है बिना सोच समझ के, इसलिए उसमें हम धर्म का समावेश नहीं कर सकते। ट्रेंच भी विषाक्त विषाद विशेष विषधर जिसको बोलना चाहिए हो करके भी वह भीतर से अमृत का सेवन यानी समता के अनुसार अपना जीवन व्यापन कर सकता है। और जो अमृत का सेवन करने वाला देव हो करके भी वह विषाक्त हो करके अनेक जीवों को कष्ट पहुंचा सकता है, यह चतुर्गति के वर्णन से समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार करते हैं। यह मनुष्य जीवन है और ट्रेन जीवन है, लगभग ये दोनों जीवन भीतरी भी कुछ संभव परिवर्तन कर लेते हैं, बाहरी भी कर लेते हैं। बाहर से करना पड़ता है, आप लोगों ने कई बार अनुभव किया होगा, नहीं चाहते हुए भी करना पड़ता है, चाहते हुए भी कभी कभी नहीं कर पाते। ये कुछ ऐसे वैषम्य है, बड़ा विचित्र सा लगता है। अभी एक आध महीने से सुन रहे हैं, प्रतिदिन कोई न कोई व्यक्ति आकर के इस बात को समझा कहता है, महाराज ये विचित्रता है। जब चीन को मालूम पड़ गया समग्र राष्ट्र जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला राष्ट्र इस समय विश्व में है तो चीन है, जमींदार भी है वो, जमीन के अपेक्षा से उसके पास कोई कमी नहीं, भारत के पास जो जमीन है उससे चौगुनी जमीन उसके पास विद्यमान है। लगभग भारत में जैन धर्म तो है, लेकिन कुमाऊँ धर्म का भी यहाँ पर रहना हुआ है, बुद्ध के इतिहास को पढ़ने से आपको ज्ञात होता ही है। उसका प्रचार प्रसार हुआ चीन में भी, उसी का प्रचार है, किंतु चीन एक ऐसा राष्ट्र है कोई पशु पक्षी चाहे विषाक्त विषधर भी क्यों न हो उन सब का भक्षण करता है, ऐसा सुना है, आलोचना नहीं। तो हमने एक बार पूछना
भैया के सर्प का भी हाँ महाराज, पूंछ को और मुख को दोनों को निकाल करके वे जैसे आप लोग गाजर मूली का सेवन करते हैं लगा, ऐसे जो त्रियंज भयंकर विषधर भी हो तो इस प्रकार नहीं करते होंगे जो मनुष्य होकर के करता है, बुद्ध की उपासना भी करता है। वस्तु तत्व का ज्ञान सही सही नहीं होने के कारण ऐसा करता है। अब के बार एक ऐसा निमित्त मिला, विज्ञान ने सिद्ध किया, बताते हैं ये चमगादड़ा चमगादड़ा बोलते हैं आप लोग प्राय करके, रात में उसका प्रवास चलता है, दिन में उल्टा लटकता रहता है। उसको भी वह अपना भोजन का अंश बनाता है। विज्ञान ने उसको सिद्ध किया है कि ये आपकी जो सोनोग्राफी सोनोग्राफी होती है ना, तो उसका आधार चमगादड़ा है, उसके आवाज और उसकी जो किरणें उसके माध्यम से उस सोनोग्राफी यंत्र का निर्माण हुआ ऐसा सुनते हैं। वह बहुत विषाक्त होता है, उसके प्रभाव बहुत तीव्र होते हैं और उसका इलाज के लिए दवाई औषध का निर्माण आज तक किया नहीं गया। सुनते हैं अभी 2021 तक उसका निर्माण भी संभव नहीं है, चाहे वो अमेरिका चाहे रूस हो चाहे चीन कोई भी हो। और आज जो ही इस प्रकार के पशु पक्षियों के भक्षण करने वाला वह चीन कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के मांस का भक्षण नहीं कर सकेगा चीन में। अब कहाँ तक है ये पता नहीं, इसको ताली क्या बजा रहे हो? चूंकि बचाने के लिए बचने के लिए धर्म के लिए कहा मानता है नहीं मानता तो मैं नहीं कह सकता, कोई भी इसका भक्षण नहीं कर सकेगा। ऐसा वायरन वह प्रभाव है सुनकर के मुझे लगा। भयादकारीष्व्य न प्रवर्तते इहाप्यमुत्राप्यनुबंध दोषवित। स्वामी समंत भद्र महाराज कहते हैं भय के कारण राजा का भय भी होता है, सर्प का भी भय होता है, चोरी का भी भय होता है, अनेक प्रकार के भय होते हैं, रोग के भी भय होते हैं। उसके कारण कोई व्यक्ति पांच पापों का त्याग करता करता, लेकिन यहाँ पे मूत्राप्यनुबंध दोष वेद, यहाँ पर भी कष्टकारक वहाँ पर भी कष्टकारक, यहाँ पर भी तिरस्कार का कारण वहाँ पर भी तिरस्कार का कारण, ऐसे पांच पापों का त्याग ज्ञानी जीव आंशिक रूप से करता करता ऊपर चढ़ जाता है। आप लोगों का जीवन जो शेष रह गया उसके बारे में सोचो, अतीत जो हुआ तो उसको आप न सोच पाएंगे सोच भी लेंगे तो उसको आप लौटा नहीं सकोगे, और लौटा करके भी क्या करोगे? जितना तो जीवन निकल चुका निकल चुका, आगे जो क्या सूत्र लेना हो तो आप देख सकते हैं। चीन एक उदाहरण है, बार बार पूर्वी हवाओं के माध्यम से पश्चिमी की को प्रभावित करने का प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया। सुना 7 करोड़ या 6 करोड़ आबादी की इलाकों को सील बंद कर दिया है चीन ने,
वहाँ का कोई व्यक्ति इधर नहीं आ सकेगा, यहाँ का व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकेगा, कोई भी उसका संपर्क सूत्र नहीं रहेगा। ऐसे अपने ही देश में एक राष्ट्र जो 6 करोड़ तो आबादी का एक राष्ट्र ही हो गया, उसको कट ऑफ कर दिया, उसके साथ संपर्क सूत्र रखने वालों के लिए दंडित किया जाएगा। वहाँ पर चिकित्सा करने के लिए कोई जाएगा नहीं, वहाँ का चिकित्सक वहीं पर रहेगा, कोई संपर्क नहीं रहेगा। अपना ही देश खंडित हो गया। कब तक के लिए ये नहीं पूछो नहीं। और जितने भी देश हैं विश्व में, उन लोगों ने इसके कोई भी लेन देन इसके साथ करना बंद हो गया। आप सोचिए, विचार करिए, क्योंकि जिस प्रकार का जो वायरल प्रभाव जो पैदा हो गया उनके यहाँ देश में, उसमें उन्होंने यही बताया था कि महान विषाक्त जीव जंतुओं का भक्षण का ये परिणाम है। ये रोग जो वायरल जो तैयार हुआ है वो केवल उन विषाक्त पशु और पक्षी से संबंध रखते हैं और किसी से संबंध नहीं रखते। अब वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी इस प्रकार का भक्षण नहीं करेगा। अब यदि मानो पश्चाताप के साथ इस प्रकार करता है, आगे धर्म के पीछे से स्वीकार करता है, सूर्योदय हो रहा है वहाँ पर चीन में, अहिंसा की दृष्टि नहीं है तो चल रहा है। अब सुनते हैं उसका प्रभाव, सुनिए आप फास्ट फूड वालों, अब स्लो फूड वालों को भी सोचना है क्या करना चाहते हो। 8 खाड़ी के देश में भी यह प्रभाव इसका चालू हो गया बताते हैं। उन राष्ट्रों के नाम भी लिए हैं, चीन एक अड़ोस पड़ोसी देश है, ध्यान रखना भारत का। क्या सोचते आप लोग, वहां पर इस प्रकार का इस प्रकार की प्रतिक्रिया हो चुकी है तो भारत को विशेष रूप से जागृत रहना चाहिए। भारत में ही आज विश्व में यदि कोई शाकाहार है प्रवाह रूप से, तो ये भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है। लेकिन हवाएं उधर से इधर आने में देर नहीं, नदी प्रवाह को अखंड माने जाते हैं। बड़ा बड़ा ब्रह्मपुत्र नाम की नदी है, गंगा है, सिंधु है, आदि आदि बड़ी बड़ी नदियों का जो भरा हुआ पानी आ रहा है वहाँ का, यहाँ पर पानी आ रहा है तो उसके साथ प्रभाव वो भी आ सकता है। हवा से हवा के साथ आ सकता है तो पानी के साथ क्यों नहीं आ सकता। इसलिए अपने जीवन को सुरक्षित धर्ममय बनाने के लिए और अपनी विषाक्त यदि शरीर मान लो हो गया तो अड़ोस पड़ोसी और अपने परिवार के लिए भी कितना भयानक यह परिणाम होगा आप लोगों को देखना चाहिए। इसलिए घर से बाहर जो कोई भी भोजन पानी बनते थे, पहले खाना पीना होता नहीं था, आज घर में ही नहीं हो रहा है, सारा का सारा मामला बाहर का आ गया है। आप ही लोगों के, आप लोगों ने दिलवाए, चल रहा है। हम यहाँ पर 2-3 दिन इधर से आना जाना हुआ तो लोगों ने परिचय करवाए, हमारा 56 व्यंजन बनते यहाँ, उसका नाम भी 56 दुकान बोलते। अब सोचो विचार करो,
ये पक्का है कि भारत में ही 56 व्यंजन बनते हैं, अन्य तो कहीं है ही नहीं। उस अतीत को हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ कर रहे हैं तो भोजन तो करना होगा, लेकिन आप भोजन करिए, स्वाद भी लीजिए, लेकिन उससे धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ के साथ साथ दृष्टि में मोक्ष पुरुषार्थ भी रखिए, तो यह आप लोगों के लिए सौभाग्य का अथवा स्वर्णिम अवसर माना जाएगा। मनुष्य जीवन है और यहीं से मुक्ति का दरवाज़ा खुला हुआ है। आगे के लिए कम से कम इस समय इस जीवन में पूर्ण नहीं किया, अगले जीवन में कर सकते हो। चीन को याद करके अपनी पूर्व दक्षता भी रखना चाहिए। ऐसे विश्व स्वास्थ्य मंडल ने एक प्रकार से संकेत भेजा, बताते हैं, आप लोगों को सोचना है। भारत वैसे औषधि क्षेत्र की अपेक्षा से प्राचीन काल से आज तक आया है। आयुर्वेद में प्रत्येक रोगों की दवाइयां हैं और सब कुछ, किंतु आज का आधुनिक विज्ञान के पास अब इन्होंने घोषित किया 2 साल तक उसका निर्माण हम नहीं कर सकेंगे। इसका अर्थ यह है आयुर्वेद के पास आत्मविश्वास के साथ यह सूत्र है कि हमारे पास सभी प्रकार के दवाइयों के इलाज है और रोगों को दूर हम कर सकते हैं। ऐसे दवाइयाँ, ऐसे आहार ही औषध है। ऐसे पुस्तिकाएँ भी यहाँ पर से निकली हुई है। आहार को औषध बनाने वाला भारत होता है और आहार को विष बनाने वाले विदेशी होते हैं। यह आप लोगों को समीक्षा समझ करके आगे का निर्णय ले लेना चाहिए। और जो होनहार छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए विशेष रूप से कष्ट भले हो, किंतु उन्हें उस प्रकार के आहार पानी रहन सहन आदि दे दो, ताकि आपका बहुत बड़ा उपकार होगा उनका और आगे वे इसी प्रकार के धर्म ध्यान करने की योग्यता प्राप्त कर सके। अहिंसा परमो। आचार्य गुरुवर से विद्या